What's up, friends and family? Welcome to Sam's Vlog. मैं हूं आपका अपना सैम अर्शद एंड मैं आपको वेलकम करता हूं अपने ब्लॉगिंग चैनल पे. एंड जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि अब्रॉड जा रहा हूं मैं, तो आई विल कीप यू गाइस इन टच विद मी. मिलते हैं एयरपोर्ट पे. हम फाइनली एयरपोर्ट आ चुके हैं. सनी भाई हमारे साथ स्टिल. तो एयरपोर्ट हम अपने आगे हैं, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट. After an hour of boarding, we are heading towards the next stage. मेरे साथ मेरी मामा है. मामा से हेलो. फाइनली हमने सारे अपने कर लिए. बोर्डिंग पास पे स्टैम्प भी लगवा दिया. मामा को काफ़ी सामान पकड़ा हुआ, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी सामान रखा. जल्दी आ जाओ. अरे जल्दी नहीं, आराम से आओ. मामा देसी मॉम साहब और दिस देसी. तो अब हम प्लेन की तरफ मूव कर रहे हैं. तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, तो अब मुझे नहीं पता कि मुझे इधर टर्न होना था या नहीं. सीधे जाना है. तो ये आप देख सकते हैं सामने प्लेन है और हम मूव कर रहे हैं प्लेन की तरफ. एक्साइटेड? यस मे बी. इधर के लोग काफ़ी ग्रेटफुल हैं, वो काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं, काफ़ी अच्छे से वेलकम कर रहे हैं. गार्ड्स वगैरह भी दे आर विशिंग अस द टाइम एंड ऑल. कराची एयरपोर्ट भी ये चीज़ नहीं थी. प्लेन में नींद आ रही थी. अच्छा, मुझे प्लेन में नींद आ गई थी, लेकिन मेरी मम्मा को नींद नहीं थी आई. तो अभी हम चलते जा रहे हैं, गेट A1 ढूंढ रहे हैं. हाँ, गेट A मिल गया. अभी गेट A1 भी मिल गया. तो इसके बाद अभी हम अपनी टोरंटो की फ्लाइट का वेट करेंगे. यार दुबई का एयरपोर्ट सही है इधर. मतलब यार इतना, एक तो चलाब होते रहे, ये चीज़ भी गलत है, लेकिन खूबसूरत बड़ा है और काफ़ी बड़ा भी है. तो चलना काफ़ी बड़ा है और मुसीबत लग रही है. मामा आपको कैसा लग रहा है चल चल के? मामा को अच्छा लग रहा है ये चलना. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, यही नहीं ख़त्म हो रहा. गेट ए चलता जा रहा है. अभी सुबह के 7 बजे हैं, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग दुबई अबू धाबी में. तो अभी हम लोग इधर अपना वो करवा रहे थे, बोर्डिंग करवा रहे थे. तो मतलब पहले भी इत्तेहाद एयरवेज भी ट्रैवल करके आ रहा हूँ. तो अभी मुझे वो कह रहे हैं कि मतलब इस तरह बोल रहा था कि इत्तेहाद में तो गिटार अलाउ नहीं करते. मैं अभी ट्रैवल करके आ रहा हूँ अपना काम कर. ले आया गिटार, टच किया, उसने फ़ोन वोन किया तो उसने बोला था कि हाँ ठीक है जाने दो गिटार. Finally, after 16 hours, जलील कर देने वाली फ्लाइट पहुँच चुके हैं टोरंटो कनाडा. तो हमारे साथ हैं बहुत सारी बोरिंग फ्लाइट थी. बोरिंग इन द सेंस खाना अच्छा था, खाने का भी टेस्टी था, लेकिन मतलब प्लेन में थे तो इतनी धुंध थी, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए बोरिंग थी. अभी व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है. अभी आपको जाके मिलवाते हैं बेस्ट फ्रेंड युवास से. तो आधा घंटा लगा के हमने सारे अपने बैगेजेस एक जगह कर लिए. काफ़ी मुश्किल था बैगेजेस ढूंढना, मतलब मुश्किल नहीं था. अगर हाँ, ये मेरी प्रो टिप है, अगर आप कभी मतलब ऐसे आ रहे हो तो अपने बैगेजेस के ऊपर कोई प्रोमिनेंट टैग
या कोई मतलब कुछ भी करके ना उसको ऐसा रखें कि वो आपको अलग से नज़र आ जाए, एंड मेक श्योर टू ड्रॉप इट ऑन द टॉप, टॉप के ऊपर रहेगा तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। आधा घंटा फारी करने के बाद हमें हमारे बैगेजेस भी मिल गए, एंड मीट हर खाला से हेलो टू एवरीवन। कोई भी यार, इतनी ज़्यादा सर्दी है इधर, और मैं मतलब कराची के माहौल से एक सिंगल शेड और अपनी पतली सी जैकेट पहन गया था, बट बाकी दिनों के बनिस्बत खाला कह रहे कि आज सर्दी कम है तो अच्छा है, लेकिन बारिश हो रही है। सून 5-10 मिनट्स में युवास आ जाएगा तो उसके साथ बैठ के हम जाएंगे घर पर। फाइनली गाड़ी में बैठ के मीट युवास भाई, युवास से हेलो ब्रैन भाई से हेलो। हेलो, ये युवास भाई की रिकॉर्ड है, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। सो फाइनली घर पे आ गए हैं, घर है लॉक क्योंकि खाला और अंकल गए हुए, वो अलग गाड़ी में आ रहे थे तो अभी वो लोग आएंगे फिर हमें वो ज्वाइन करेंगे। सो अब हम थोड़ा फ्रेश हो गए, युवास भाई के साथ अब हम जाएंगे कुछ खाने के लिए लेने, तो ये युवास भाई की रिकॉर्ड है। युवास भाई, बारिश हो रही है, काफ़ी मज़ेदार मौसम है। ये युवास भाई लग घर है, ये मेरे मुंह से स्मोक क्यों निकल रहा है, मज़ा आता है। सो फाइनली वी आर हेयर एट वॉलमार्ट, हम अब इधर से कुछ ट्राई करेंगे, देखते हैं। ओह, मैकडॉनल्ड है, यही खाएंगे। मोबाइल बंद होने वाला है। भाइयों, रात को तो हो गया था मोबाइल बंद, तो इस वजह से हम एडिट नहीं कर पाए, तो अभी मतलब रात को फिर हमने मैकडॉनल्ड से पार्सल लिए खाने पीने की चीज़ें, उसके बाद हम घर पे आए और हमने फिर खाया, तो ब्लॉग एंड करना पड़ा था। चलें, अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आए तो मैं आपका रैंडम कमेंट्स में से कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा। सर्दी बहुत है, वापसी घर पे जा रहा हूँ।